लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में महिलाओं को सुरक्षित सफर मिल सके, इसको लेकर पिंक सिटी बस का सफर शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रयोग के तौर पर पहली पिंक सिटी बस बीआरटीएस पर चलाई गई। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो पिंक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इंदौर में पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में तय किया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर पिंक सिटी बसें चलाई जाएगी। तय की गई इस योजना का मूर्त रूप मंगलवार को देखने को मिला। इंदौर के बीआरटीएस पर पिंक सिटी बस सफर करती हुई दिखाई दी। खास बात यह है कि यह बस सिर्फ महिलाओं के लिए ही होगी। हालांकि अभी सिर्फ प्रयोग के तौर पर एक पिंक बस को चलाया गया है, जबकि आने वाले समय में पिंक बसों की संख्या में इजाफा होने की पूरी संभावना है। पिंक सिटी बसें पूरी तरह से हाईटेक होगी और इसमें महिला यात्रियों के साथ अटेंडर भी महिला होगी। हालांकि अभी पिंक सिटी बस के चालक पुरुष हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही पिंक सिटी बसों के ड्राइविंग सीट पर भी सिर्फ महिलाएं ही दिखाई देंगी। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। पिंक सिटी बस हमने चलाई महिलाओं के लिए। वैसे तो इंदौर सुरक्षित शहर है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए एक अलग से बस चलाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं सफ़र करेंगी। अभी एक प्रयोग किया है, उसके बाद और इसमें सफलता मिलती तो और बसें हम चलाएंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।